टोटल हरियाणा आप देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर जंतर मंतर पर कांग्रेस का धरना खत्म हो चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ता बीच सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और गुरजीत सिंह सड़क के बीचों बीच बैठे हुए धरने पर। कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह भी धरने पर साथ में हैं। पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच में बहस भी हुई है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बीच सड़क पर धरने पर बैठे हुए थे, जिसमें कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह के अलावा बलबीर सिंह भी धरने पर बैठे थे। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच भी बहस भी हुई काफी देर तक। किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के हक को लेकर कांग्रेस का यह धरना प्रदर्शन। कुलदीप शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। कुलदीप, ये देखें कि कांग्रेस का ये धरना कैसा रहा, क्योंकि किसान के हक की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं और कृषि कानून के खिलाफ ये धरना कांग्रेस का, कैसे देखें इस धरने को, कितना सफल माना जाए? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता यहां पर धरना दे रहे थे, उनके धरने का आज 40वां दिन था। करीब 2:30 बजे के आसपास राहुल गांधी और जंतर मंतर पर जो धरना था उसे खत्म कराया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही बैठे हुए थे धरने पर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई।